वेलकम बैक टू जैक्शन मशीन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैक्शन मशीन लेके आ चुका है आपके लिए चोलाफली मशीन का रिव्यू। जैसे कि आज हम लोग जा रहे हैं हमारे कस्टमर के यहाँ पे जैक्शन मशीन अहमदाबाद से, नवरंगपुरा अहमदाबाद हम लोग जा रहे हैं हमारे कस्टमर के यहाँ पे रिव्यू लेने के लिए, जिससे उनका चोलाफली का प्लांट लिया हुआ है, उन्होंने हमसे बाय किया हुआ है। और अब उनको हम जाके देखने वाले हैं उनका प्लांट कैसा चल रहा है, उनके मशीन में कोई दिक्कत है कि नहीं है, और उन्होंने जैसे बिजनेस कैसे चालू किया, कितनी ग्रोथ वगैरह पाई। आपको पूरा प्लांट वगैरह भी विजिट कराते हैं, किस तरीके से कितने का मशीन उन्होंने ले रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अभी मॉर्निंग में अप्रोक्स 4:15 हो रहे हैं, यानी गिन लीजिए मेरी टीम पूरी 3 बजे से 3:30 बजे से पूरा काम करने को रेडी है कि अपने कस्टमर के यहाँ पे रिव्यू लेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप जैक्शन मशीन इतना एफर्ट्स डाल रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, कि अगर आपको कोई मशीन बाय करना है तो ऐसे एक रेप्यूटेटेड कंपनी से बाय कीजिए कि आधी रात को जो आपको सर्विस दे पाए, राइट। आधी रात को हम हमारे कस्टमर के यहाँ पे जा रहे हैं रिव्यू लेने के लिए। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को, अब आगे दिखाएंगे आपको हमारे कस्टमर के यहाँ पे पहुँचने के बाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं हमारे कस्टमर के प्लांट के ऊपर ही, अपने घर में ही कस्टमर ने, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, पूरा का पूरा सेटअप लगा के रखा है और घर से ही पूरा मशीन ऑपरेट कर रहे हैं। पूरा फैमिली यहाँ पे आपका मशीन, जो हमारा कस्टमर का फैमिली है, प्रॉपर पूरा मशीन ऑपरेट कर रहा है। देख पा रहे हैं उनका स्टॉल है, उनका लारी है, जिसके माध्यम आप देख पा रहे हैं कितने सारे यहाँ पे बकेट रखे हुए हैं। और ये पूरे बकेट आप देखेंगे तो पूरा फिल करके रख देते हैं, और बढ़िया क्वालिटी की चोलाफली हमारे मशीन के अंदर से दोस्तों बन के तैयार हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपने मशीन लगे हुए हैं, और अभी सुबह 4 बजे अप्रोक्स 4:30 बजे अप्रोक्स प्रोडक्शन चालू ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये अपना सीट मेकिंग मशीन है और आटा गूंदने का मशीन है, इसके माध्यम से अभी कस्टमर सीट बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो इसके अंदर अपना जो आटा रहता है, इसके अंदर अपने आटा गूंद सकते हैं। आटा गूंदने के बाद फिर उसको अपने यहाँ से उसका जो सीट बनता है चोलाफली का, वो सीट भी अपने यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, प्रॉपर एकदम इजीली ऑपरेट हो जाता है, राइट। और फिर उसको अपने इस तरीके से ही उसके ऊपर ऑयल वगैरह आप लगा दीजिए, अगर आपको आटा लगाना है तो आटा लगा दीजिए, ताकि वो जो है एक दूसरे के साथ जो सीट बनाया है वो चिपके नहीं। अब आपको दिखाते हैं इस मशीन का भी, आपको डेमो करके दिखाते हैं। ये अपना सीट मेकिंग मशीन है, इसके माध्यम से आप जो चोलाफली की सीट रहती है वो बना सकते हैं। एकदम बढ़िया क्वालिटी का मशीन है दोस्तों। अभी कस्टमर से भी उनका रिव्यू जाने की, कितना टाइम हुआ मशीन लिए और फिर कैसा अभी मशीन चल रहा है करके, राइट। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं अपना मशीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, मशीन के अंदर से चोलाफली का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। एकदम ईजिली आप यहाँ पर देखेंगे, नोटिस कीजिए, यहाँ से जस्ट आपको सीट लगा देना है और बैक टू बैक सीट आपको कनेक्ट करते रहना है, और आपका आगे से जो प्रोडक्शन है वो निकलता रहेगा। जस्ट इस तरीके से आपको जस्ट सीट लगा देना है। बढ़िया क्वालिटी के आपको इसके अंदर रोलर मिल जाने वाले हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे इसके माध्यम से आप पूरा एडजस्ट वगैरह भी कर सकते, जैसे कि जितना आपको साइज चाहिए, जितना थिकनेस वगैरह चाहिए, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप सीट कनेक्ट कर दीजिए दूसरी, ओके। तो इस तरीके से आप सीट कनेक्ट करते रहिए, वैसे आपका जो प्रोडक्शन है वो लगातार निकलता रहेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर इस डाई के माध्यम से आपका जो चोलाफली है वो प्रॉपर कट जाने वाला है, उसका भी जो आपको साइज रखना है वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं इसी के अंदर, राइट। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको बाउल मिल जाता है, जिसके अंदर आप आटा रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे चोलाफली जैसे निकलता है, वैसे आप इस तरीके से उसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से आप प्रॉपर थप्पी बना सकते हैं चोलाफली के सीट की। यहाँ पे देखिए, देखिए बढ़िया क्वालिटी की थप्पी दोस्तों बन चुकी है यहाँ पे, और एक भी चोलाफली आपस में चिपक नहीं रही है, और कितना पतला सा सीट बन के तैयार है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, कितना पतला सीट बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब इसके बाद अपने चटनी मेकिंग मशीन का भी लाइव डेमो लेने वाले हैं कस्टमर के यहाँ पे। यहाँ पे हमारा मशीन लगा हुआ है, इस मशीन के माध्यम से ही कस्टमर चटनी मेकिंग करने वाले हैं, तो वो भी आपको बाकी दिखाते हैं किस तरीके से कस्टमर इसके अंदर चटनी बनाते हैं। चोलाफली की जो चटनी रहती है वो इसी मशीन के अंदर से मिल जानी है। पूरा सेटअप आपको जैक्शन मशीन में दोस्तों मिल जाने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि अपने इसके अंदर से आपको सीट बना के दिखाया, और बढ़िया क्वालिटी की आपको सीट बन गई। अब आपको हम दिखाते हैं, जैसे कस्टमर ने अभी 20 किलो चोलाफली का प्रोडक्शन किया है, और भी उनको नीड है, तो और भी अपना यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये अपना आटा गूंदने का मशीन है, इसके अंदर आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो ऐड कर दीजिए, आटा वगैरह, नमक वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए, और मिनटों के अंदर ही आपका जो है चोलाफली का आटा गूंद के आपको दे देने वाला है।
एक ही मशीन के अंदर से आप दो काम कर सकते हैं, यहाँ से आप आटा भी गूंद सकते हो और यहाँ से आप सीड भी बना सकते हो, और कंट्रोलिंग सिस्टम भी आपको एक ही मिल जाने वाला है, यहाँ से आटा भी घूमता रहेगा और यहाँ से आपका, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सीट है उसका भी प्रोडक्शन हो जाने वाला है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी से अपना जो आटा है वो गूंद के तैयार हो चुका है, यानी मिनटों के अंदर दोस्तों आपका ये काम हो जाने वाला है। अप्रोक्स इसको अभी मैक्स टू मैक्स 10 मिनट हुआ रहेगा, मैक्स टू मैक्स दोस्तों बताया, ये अपना 10 किलो आटा इसके अंदर भी डाला हुआ है, 7 से 10 मिनट हुआ है और इतना बढ़िया तरीके से जो आपका है आटा वो गूंद के तैयार हो चुका है। जिस आटे को गूंदने में अगर आप 10 किलो का आटा गूंदते हैं तो उसको गूंदने में आपको अप्रोक्स आधा पौना घंटा, अगर आप मैन्युअली करते हैं तो उतना टाइम चला जाता है, उससे भी ज़्यादा उससे टाइम चला जाता है, राइट। पर ये मशीन आपको मिनटों के अंदर काम करके दे देने वाला है दोस्तों, इतना बढ़िया क्वालिटी का मशीन जैक्सन मशीन बनाता है और इसके अंदर आपको कोई करंट वगैरह का भी खतरा नहीं होने वाला है, राइट। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सीड भी बन चुका है अपने प्रॉपर, यानी जो आटा है वो प्रॉपर बन चुका है। अब उसके बाद अपने अपना चटनी का भी आपको डेमो दिखाते हैं किस तरीके से चटनी बनेगी। तो दोस्तों ये अपना चटनी पीसने का मशीन है, अब इसका अपने लाइव डेमो करके आपको दिखाते हैं। एकदम इजी टू यूज़ मशीन है, कॉम्पैक्ट साइज का मशीन है, आपके घर में आप कहीं भी लगा सकते हैं। घर की बिजली से चलने वाला जो अपना सारा प्लांट है पूरा का पूरा घर की बिजली से चल रहा है दोस्तों। अब इस मशीन को अपने ऑन करते हैं, मिनटों के अंदर आपका चटनी आपको बना के दे देने वाला है, जस्ट ऐसे बटन से ऑन हो जाने वाला है, जस्ट प्लग एंड प्ले मशीन है। जैसे आपका जो भी रॉ मटेरियल है, जैसे पुदीना हुआ, मिर्ची हुआ, जो भी आप चटनी बनाने में यूज़ करते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और मिनटों के अंदर आपका चटनी बन के तैयार हो जाने वाला है। यहाँ पे देखिए जितना थिकनेस वगैरह चाहिए सब कुछ वगैरह आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉपर, यहाँ से आप पुदीना मिर्ची डाल दीजिए और जो चटनी का मसाला रहता है वो बन के तैयार हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अपने उसको मैन्युअली चटनी भी बना सकते हैं। प्रॉपर जो मसाला रहता है चोला फली की चटनी का वो बन रहा है, राइट। यानी इधर अपने प्रॉपर जो है पूरा सेटअप लगाया हुआ है, राइट। ये देख पा रहे हैं दोस्तों अप्रोक्स 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा जो ये बाउल भरा हुआ था, जो पूरा तगारा भरा हुआ था मिर्ची और पुदीने का, उसका प्रॉपर मसाला बन के तैयार हो चुका है, राइट। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वालिटी का मसाला बन चुका है, जिसको आप अगर मैन्युअली करना चाहेंगे उसको कूट के तो उसमें आपको अप्रोक्स आधा पौना घंटा 1 घंटा भी आपको इसमें लग जाने वाला है, और ये आपको 2-5 मिनट में आपका जो काम है ये करके दे देने वाला है। छोटा सा मशीन है और सर ने सारे ही मशीन इंजेक्शन मशीन के यहाँ पे पूरा प्लांट यहाँ पे लगा के रखा है। ये चटनी का मशीन हुआ, फिर चोला फली का मशीन हुआ, सीट बनाने का मशीन हुआ, आटा गूंदने का मशीन हुआ। सर के पास एक और अपना चोला फली का दूसरा भी मशीन है, राइट। और देखिए इस तरीके से जस्ट पानी ऐड कर देना है तो आपका जो चटनी है वो भी रेडी हो जाने वाला है। ये देखिए तो दोस्तों जस्ट इसके अंदर मिर्ची और पानी अपने ने ऐड कर दिया है, और आगे का जो भी रेसिपी अगर आपको जानना है इस बिज़नेस के बारे में, A to Z आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी सेल्स टीम से बात कीजिए, आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन कौन से मशीन आपको नीड रहेंगे। आप जैसे ही मशीन बाय कर लेते हैं उसके बाद आपके बिज़नेस में कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं, किस किस चीज़ों की उसमें नीड होने वाली है, सब कुछ आपको हमारी टीम के द्वारा गाइड करने को हो जाएगा। जैसे कि आपने ये देखा है, अब अपने जो अपने यहाँ के जो चोला फली अपने ने बनाई है यहाँ पे उसको अपने फ्राई करके भी आपको दिखाएंगे क्या क्वालिटी आई है, कितनी चोला फली फूलती है नहीं फूलती, आपको सब कुछ अपने यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए ये अपना जो चोला फली की सीट है इसको अपने ने आधा 1 घंटा सुखा दिया है, अब इसको अपने प्रॉपर कट करेंगे। अब देखिए इस तरीके से आप मैन्युअली कट करना चाहते हैं तो ईजिली आप इसको मैन्युअली कट कर सकते हैं, जो साइज रखता है जो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी यहाँ पे अपने कस्टमर ने एकदम पतली साइज रखी है, अगर आप बड़ी साइज रखते हैं जंबो साइज की बनाना चाहते हैं तो जंबो साइज की भी आप बना सकते हैं। अगर आपको ये ऑटोमेटिक कट चाहिए तो भी आपको जंक्शन मशीन में मिल जाने वाला है, ताकि आपको इस तरीके से मैन्युअली कट ना करना पड़े, राइट। अभी जैसे मैन्युअली कट करें तो उसमें टाइम भी ज़्यादा जाने वाला है और अपनी मेहनत भी लगने वाली है। अगर आप ऑटोमेटिक कटर सिस्टम ले लेते हैं तो उसके माध्यम से इस तरीके की जितनी साइज वगैरह आपको रखनी है वो सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हैं। उसको आपने करके भी दिखाते हैं आपको क्या क्वालिटी आती है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपने जो कस्टमर है प्रॉपर उसको चोला फली को तलना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से आप देखिए प्रॉपर पट्टी कट हो चुकी है। अब इसको अपने प्रॉपर कस्टमर आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसको प्रॉपर अलग किया जाता है। जैसे अभी ये थोड़ी थोड़ी
टचिंग में है, जैसे ये देखिए अब प्रॉपर एक एक चोला फली अलग हो रही है। ओके, इस तरीके से आपको उसको उछाल के प्रॉपर अलग कर देना है और इस तरीके से कढ़ाई में डाल के सेम टेम्परेचर पे अगर आप उसको फ्राई करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक कढ़ाई का नीड रहेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस तरीके की आप इलेक्ट्रिक कढ़ाई ले जाके अपने जो फूड की क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और सारी छोला फली को आप सेम टेम्परेचर पे आप फ्राई करके और सेम क्वालिटी आप ला सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से अपना जो छोला फली है वो बन रहा है, ये देखिए। यानी सेकेंडों के अंदर आपका छोला फली जो है वो तल जाता है, जस्ट आपको अंदर डालना है और उसको निकालना है, यानी सेकेंडों के अंदर आपका काम हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देख पा रहे हैं प्रॉपर आपका जो छोला फली एकदम फूला हुआ है, ये देखिए एकदम छोला फली आपका फूला है, कहीं से भी ऐसा नहीं है पिचका हुआ है, पूरा का पूरा आप छोला फली यानी मार्केट में जैसा मिलता है उससे भी बढ़िया क्वालिटी का छोला फली जो बनके तैयार होता है दोस्तों जंक्शन मशीन के मशीनों के माध्यम से। अगर आप मैन्युअली बनाते हैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिल पाती है जितना आपको ये मशीन बढ़िया क्वालिटी बना के दे देता है, राइट। ये देखिए सेकेंडों के अंदर दोस्तों काम हो जाता है, मिनटों का काम है। अगर आप कमाना चाहते हैं लाखों रुपए तो दोस्तों आपको इस तरीके के किसी बिजनेस की तलाश है तो दोस्तों जंक्शन मशीन से जुड़े, जंक्शन मशीन के पास छोटे से इन्वेस्टमेंट से लेके बड़े फैक्ट्री लेवल तक का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर तरीके के मशीन आपको जंक्शन मशीन में मिल जाने वाले हैं। कस्टमर से अपने जानेंगे, कस्टमर ने कैसा रहा जंक्शन मशीन में जुड़ने के बाद, कस्टमर को कैसा मशीन चल रहा है वगैरह सब कुछ आप अपने कस्टमर से जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ आ चुके हैं अर्बुदा छोला फली के ओनर, क्या नाम है सर जी आपका? कमलेश प्रजापति। कहाँ पे लगा हुआ है सर अपना प्लांट? वस्त्रापुर में अपना प्लांट लगा हुआ है। सर कितना टाइम हो गया अपना जो मशीन लिए हुए, फर्स्ट मशीन आपने कितने साल पहले लिया था? फर्स्ट मशीन 7-8 साल आसपास हो गए। 7-8 साल हो गए। कैसा चल रहा है सर मशीन वगैरह? बस एकदम बढ़िया चल रहा है। 7-8 साल में सर कोई इस मशीन के अंदर आपको दिक्कत देखने को मिली? नहीं, आज तक एक भी दिक्कत आई नहीं। अच्छा, आज तक कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं है। और फिर सर अपने फर्स्ट टाइम कौन कौन से मशीन बाय किए थे जंक्शन मशीन से? सबसे फर्स्ट तो ये जो बनने का है वो वाला किया था जी। उसके बाद सर फिर कौन सा मशीन? तो ये आटा गूंदने का है वो वाला मशीन बाय किया। अच्छा, तो सर आपने, आपको कैसे पता चला जंक्शन मशीन इस तरीके के मशीन बनाता है सर छोला फली के आटा गूंदने? वीडियो देखा था हमने, ऑनलाइन वीडियो देखा। ऑनलाइन तो सर दूसरी कंपनियों के वीडियो भी देखे होंगे, तो जंक्शन मशीन को ही क्यों पसंद किया? कंफर्टेबल नहीं हुआ था उसके लिए वहाँ पे नहीं गया। अच्छा, और जंक्शन मशीन में कैसा लगा सर? क्वालिटी वगैरह सब एक नंबर है। और वहाँ पे जब आप सर आए, भी एक नंबर है सर। अच्छा, और वहाँ पे आप जब आए तो हमारी सेल्स टीम का बिहेवियर, आपको प्रॉपर शोरूम वगैरह विजिट किया, मशीनों के बारे में सब कुछ बताया सर? एकदम बताया। और कैसा चल रहा है सर मशीन, बिजनेस कैसा है छोला फली का? बिजनेस भी एक नंबर है। एक नंबर बिजनेस है सर। यानी रिटेल में कामकाज कर रहे हैं या अभी होलसेल में आपका कामकाज है? हम अभी रिटेल में कर रहे हैं। तो होलसेल का क्या प्लानिंग है सर फिर? अगर होलसेल किसी को चाहिए क्वांटिटी में तो मिल जाएगा। अच्छा, होलसेल में भी दोस्तों अगर आपको चाहिए रहता है, अगर आप अहमदाबाद से हैं, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, रीसेलिंग करना चाहते हैं, तो सर के पास से आप जो छोला फली बनी हुई ले सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो, राइट। अगर उस तरीके से भी चाहिए तो सर का आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर का स्टॉल वस्त्रापुर पर लगता है, वस्त्रापुर लेक के बाहर वहाँ पर सर का स्टॉल लगता है और वहाँ पर जाके भी आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कितने का प्राइसिंग रहेगा, वट एवर जो आपके बिजनेस रिलेटेड है। अगर आपको मशीन वगैरह बाय करना है तो आप जंक्शन मशीन से बाय कर सकते हैं। सर एक घंटे के अंदर से आप इसके अंदर से कितना प्रोडक्शन निकाल देते हैं? एक घंटे के अंदर सारा कुछ काम 20-25 किलो आटा निकल जाता है। 20-25 किलो, यानी जैसे उसमें आटा गूंदना भी हो गया, सीड बनाना भी हो गया, फिर यहाँ से प्रेसिंग वगैरह, सीड XYZ सब हो गया इसमें। 30 किलो? 25-30 किलो आराम से निकल जाते हैं। 25-30 किलो आराम से निकल जाते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं 30 किलो अभी बनाने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाते थे पहले जो। अच्छा, मैन्युअली बनाते थे उसमें 3-4 घंटे लग जाते थे। आप इसके अंदर आपको 30 किलो एक घंटे में बन जाता है? आराम से बन जाता है सब कुछ करके। दोस्तों देख पा रहे हैं 30 किलो प्रोडक्शन एक घंटे में बन जाता है, जिसके अंदर आपका आटा गूंदना भी आ गया, फिर जो सीड बनाना रहता है वो भी इंक्लूड हो गया, और फिर जिसके बाद फिर इसके अंदर से जो अपने पतली सीड बनती है जिसको सिर्फ छोला फली कट करना रहता है वो भी एक घंटे के अंदर इतना सब हो जाता है दोस्तों। और सर कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं अपने मशीन से दिन भर में? अभी करते हैं 20 किलो जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से, उस हिसाब से करते हैं। यानी डेली का आप 20-30 किलो करते हैं? 20-25 किलो जैसे रिक्वायरमेंट होती है। यानी 20-25 किलो सर डेली सेलिंग कर रहे हैं। और सर बिजली कंजप्शन वगैरह कैसा है, ज्यादा बिजली वगैरह ले रहा है क्या? जो भी घर का है वही बिजली पे चल रहा है। लाइट बिल में क्या इफेक्ट पड़ा सर, जो बिना मशीन के आप पहले काम कर रहे थे और मशीन के बाद आपने लिया तो आपका लाइट बिल बढ़ा या फिर कैसा सिस्टम है?
जीरो वोल्ट का है, इसके लिए कोई लाइट बिल चार्ज ज्यादा नहीं आने वाला है लाइट बिल का। और घर की बिजली से ऑपरेट हो रहे अपने सारे मशीन? बिजली से हो रहे सबके। यानी कितने मशीन ले रखे अभी सर आपने हमारे? ये है एक बनने का है, बेलने का है जी, और चटनी बनाने के लिए उसका भी है, मसाला पीसने के लिए। राइट दोस्तों, देख पा रहे हैं कस्टमर ने इतने सारे मशीन जंक्शन मशीन से परचेस कर रखे। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कहीं और से मशीन बाय करना चाहिए या जंक्शन मशीन से ही बाय करना चाहिए? जंक्शन मशीन जैसा कहीं रिस्पॉन्स नहीं है अच्छा। क्वालिटी भी मिलेगा सर? क्वालिटी भी मिलेगा, सर्विस भी मिलेगी। हर प्राइस कैसा है सर अपना जो मशीन का? रीजनेबल है। और जैसे कि ऐसा तो नहीं हुआ कहीं करंट वगैरह आपको आया हो मशीन पे? नहीं आता कोई करंट। यानी कोई लेडीज वगैरह भी ऑपरेट कर सकते हैं इस मशीन? हर कोई कर सकता है। दोस्तों देख पा रहे हैं कोई लेडीज हुआ, बुजुर्ग हुआ, कोई भी इस मशीन को इजीली ऑपरेट कर सकता है। और कस्टमर का इतना पॉजिटिव रिव्यू है हमारे जंक्शन मशीन कंपनी के लिए, तो अगर आप भी चाहते हैं किसी भी बिजनेस की छोटी सी शुरुआत करना तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आज ही कॉल कर दीजिए और जंक्शन मशीन के साथ जुड़ के इतने बेहतरीन क्वालिटी के मशीन ले जाके अपने छोटे से बिजनेस के मालिक बन जाइए।